दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं अशेष जन्तो हो स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हमने कल भी डिस्कस किया था, प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज और उसका आयुर्वेदिक सॉल्यूशन क्या होता है। बिल्कुल, आज का हमारा विषय भी इसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट टू के इस सत्र में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जैसे कल कुछ प्यूबर्टी क्या है और लाइक प्यूबर्टी स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसको लेकर भी हमने डिस्कशन किया था। खासा अच्छा डिस्कशन रहा कल का। तो बस ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पिंपल्स के बारे में, या मुखदूषिका, पिंपल्स, तारुण्यपीठिका, लाइक मुखदूषिका, ये क्षुद्र रोग के रूप में आयुर्वेद के आचार्य इसका वर्णन करते हैं। इसको युवान पीड़िका के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, युवान पीड़िका, तारुण्य पीड़िका, युवा यानी युवा अवस्था की ये निशानी है। उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि युवा अवस्था जब आती है, व्हेनेवर देयर आर द चेंजेस रिलेटेड विद द प्यूबर्टी ड्यू टू द हार्मोन्स, लाइक हमने देखा कि जैसे जैसे एक हमारी आयु में परिवर्तन आते रहते हैं, बाल्यावस्था, तरुण वयावस्था और वृद्धावस्था। तो तरुण वय यानी आयुर्वेद में तरुण वय को 18 इयर्स से लेकर या फिर 25 साल से लेकर आगे बताया, बट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी विच स्टार्ट अराउंड द 11 टू 13 इयर्स, इसके बीच में जो भी सारे बदलाव आते हैं, इसमें से एक मुख्य बदलाव है लाइक पिंपल्स का आना। जैसे ही ये बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां होती है, उनके चेहरे पर अगर कुछ फोड़े या फुंसी आने लगती है तो हम लोग समझ जाते कि अरे ये तो बड़ा हो रहा है। तो क्या है पिंपल्स, युवान पीढ़ी का, मुखदुषी का, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। लाइक नॉर्मली हम लोग इसको डिवाइड करते हैं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स में। सो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स में क्या डिफरेंस है? ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, सो दे बोथ आर ड्यू टू द ओवर सिक्रेशन ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड, दैट इज सीबम, के कारण ही होता है। बट जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि ब्लैक हेड्स जो है ना, वो पेनफुल नहीं होते हैं और लाइक इसमें बहुत ज्यादा कुछ सिक्रेशंस या कुछ फैटी सब्सटेंस नहीं निकलता है। बट व्हाइट हेड जो होते हैं, दे आर थोड़ा सा पेनफुल होते हैं और जो सीबम जो होता है यहाँ पे जम जाता है। तो इसके साथ साथ पस्टूल्स, पैप्यूल्स वगैरह टाइप ब्लिस्टर्स, देखिए फोड़ या जैसे पीड़िका है वो बहुत ही वैरायटी में मिल जाती है। बट जैसे हम लोग यहाँ पे युवा अवस्था यानी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम चेहरे पर या कभी कभार पीठ पर और लाइक अपने चेस्ट रीजन पर और हाथ पर, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली नोज एरिया और चीक एरिया और फोरहेड एरिया। तो अलग अलग, जैसे अभी जिसका एक पैटर्न सभी का अलग अलग होता है। कुछ लोगों में चेहरे पर नहीं होता है, पीठ पर आ जाते हैं, कुछ में गले पर आ जाते हैं। सो ये डिफरेंस तो रहेगा, जैसे कि हर एक व्यक्ति में इसका जो पैटर्न होता है ये अलग अलग होता है। तो युवान पीड़िका या मुखदुषिका को आयुर्वेद में किस दोष की दृष्टि मानी गई है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए लाइक जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ एलोपैथी में इसको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स के नाम से, या पस्टूल, पैप्यूल, नोड्यूल और कभी कभार इसको सिस्ट भी माना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें कौन से दोष धातु मल की दृष्टि होती है? बिल्कुल, दोष धातु मल का विचार करेंगे तो इसमें देखिए रस, रक्त दोनों की दृष्टि है और लाइक त्रिदोष तो दृष्टि है ही, बट फिर भी लाइक
रसरक्त दृष्टि खास तौर पे इसमें मानी गई है और पित्त का प्रकोप बिकॉज ये पित्त अवस्था ही है, तो इसके लिए हम लोग इसमें रक्त दृष्टि, पित्त, रसरक्त, क्योंकि रसरक्त दोनों साथ में चलते हैं और रस धातु ये एक पित्त दोष का स्थान भी माना गया है। जैसे कि पित्त जो है शरीर में अलग अलग स्थान पर रहकर तेज महाभूत प्रदान होने के साथ साथ रस धातु के साथ इसकी तुलना क्यों है की है, लाइक देखिए रस धातु को हम लोग रक्त के साथ ही जोड़ते हैं और जो ब्लड और लिम्फ, तो लिम्फ ये थोड़ा सा येलोइश और स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है, इसको हम लोग पित्त के साथ भी जोड़ सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर रस रक्त के साथ पित्त दोष का प्रकोप होता है। इसमें देखिए जैसे कि पैटर्न लाइक ड्राईनेस है या बहुत ही ज्यादा ईचिंग हो रही है तो कफ दोष की दृष्टि, और बहुत ज्यादा ड्राई यानी रूखा सूखापन है तो हम लोग इसमें लाइक वात दोष की प्रधानता बोल सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें पित्त दोष की ही प्रधानता होती है और रक्त धातु की दृष्टि इसमें जाने जाते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स तो लाइक इसके स्टेजेस भी होती है, लाइक कुछ पहले स्टेजेस में जो होगा तो कुछ थोड़ा सा लाइक इरिटेशन या छोटे छोटे फोड़े आ जाते हैं और फिर जैसे जैसे कुछ समय बीतता जाता है तो उसमें कई बार पस फॉर्म होता है, इसमें सीबम ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ तो ऐसे होता है ना कि खुजली आती है, तो खुजलाने से या वहां पे हाथ लगाने से लाइक बच्चे उसको फोड़ते हैं, निकाल देते हैं, सीबम जो होता है ऐसे उभर कर आता है और वो काफी पेनफुल भी होता है, तो निकल जाने के लिए उसको हाथ लगाकर काफी बार उसको निकाल दिया जाता है। सो इस टाइप से लाइक देखिए एक्ने नॉर्मल है, ये एक एज का निशानी भी है, बट अगर इसको आप खुजलाते हैं, इसको आप तोड़ते हैं, इसको आप फोड़ते हैं या फिर उसको आप लोग इग्नोर करते हैं तो वो आगे जाकर स्कार्स में डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोगों में हमने देखा कि उसके निशान या मार्क्स रह जाते हैं, तो इसके लिए हमें इसकी ट्रीटमेंट तुरंत करा देना भी जरूरी है। एंड एज वी ऑल नो दैट फेस और चेहरा ये सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण निशानी है, जिसे चेहरा देखकर ही हम लोग सुंदरता को देखते हैं, चेहरे के बाहरी रूप को देखकर ही हम लोग सुंदरता के मायने यहाँ पे देखे जाते हैं। बट फिर भी जैसे कि हर किसी को लगता है कि जो भी एक्ने है वो कम हो जाए, इसके कारण क्या है, कारण वैसे देखा जाए तो पित्त प्रकोप रक्त दृष्टि ही है और ओवर सिक्रेशन ऑफ द सीबेसियस ग्लैंड है। इसके साथ साथ देखिए आपका जो फॉलिकल है वो एक प्रकार से ज्यादा ऑयल सिक्रेट करता है, तो यहाँ पे परहेज के रूप में लाइक ऑयली फूड, फैटी फूड सब्सटेंसेस और लाइक कुछ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया फंगस टाइप का इन्फेक्शन, कीटाणुओं का इन्फेक्शन, कृमि के कारण, अस्वच्छता के कारण, ये बहुत सारे इसके अनहाइजीनिक कंडीशन के चलते, सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द कॉजेस ऑफ एक्ने। कॉजेस तो कई बार रूल आउट भी नहीं होती है, कुछ लोगों में कुछ इन्फेक्शन या कुछ लाइक बैक्टीरिया या फंगल का भी नहीं होता है और कुछ में देखिए जैसे बच्चों को हम लोग देखते हैं लड़कियों लड़कों को, तो कुछ कुछ लड़कों में बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं आते बट कुछ में आ जाते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यूर डाइट, यूर प्रकृति के हिसाब से। पित्त प्रकृति में लाइक पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण पिंपल्स का आना बहुत ही नॉर्मल है, इसीलिए पित्त में और वात में कॉमन है बिकॉज वायु में रुक्षता है, पित्त में उष्णता है, एंड दोनों में भी पिंपल्स हो सकते हैं, बट कफ में स्निग्ध गुण है और शीत गुण के साथ कफ प्रकृति में ऐसे देखा जाए तो स्किन इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, और फिर जो कि बच्चा प्यूबर्टी में है बट भी पिंपल्स आने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। और जैसे कि पित्त प्रकृति में अगर आपका खान पान भी अचार है, देखिए जैसे हम लोग आमतौर पर देखते हैं सातवीं आठवीं का एज है, प्यूबर्टी आ चुकी है और टर्न अप हुए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स होते हैं या स्कूल में भी थोड़ा अवेयरनेस आ जाता है ब्यूटी को लेकर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रयोग करना, खान पान को लेकर थोड़ा लाइक अभी तक तो बस जो घर में बनता है या माँ बाप जो बोलते वो खाते थे, बट अभी थोड़ा दोस्तों के साथ संपर्क आता है तो कुछ बाहरी चीजें खाने का मन ललचाता है, तो ये नेचुरल चीजें हैं। इसके साथ साथ खान पान में परिवर्तन आता है, मोबाइल हाथ में आता है, रात्रि में जगना, डिस्कशंस करना, पढ़ाई का टेंशन है, करियर का टेंशन है, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके साथ भी पिंपल्स आ जाते हैं। सो दो प्यूबर्टी ये नॉर्मल फेज है बट इसमें जिस प्रकार से हम परिचर्या या जिस प्रकार से लाइफस्टाइल बन जाता है ना, इसके साथ भी हम लोग कह सकते हैं कि पिंपल्स का आना नॉर्मल हो जाता है। तो हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट एक्ने और कैसे हम लोग इसको हैंडल करें, इस मुखदूषिका को, मुखदूषिका के लिए हम लोग दो प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं, एक तो शमन, एक दूसरा है शोधन। जैसे अगर आपका एक्ने बहुत ही क्रॉनिक बन जाता है तो हमें यहाँ पे शोधन की जरूरत पड़ती है, और सिंपल है और बस लाइक बहुत ज्यादा कुछ इसमें ये नहीं एक दो फोड़े आते हैं, तो हम लोग इसको शमन चिकित्सा से भी ट्रीट कर सकते हैं। दोनों में हमको पहले तो अग्नि को करेक्ट करना है, तो दीपन पाचन हम लोग करेंगे सबसे पहले। जैसे मैंने कई सारे केसेस इसके देखे जिसमें
कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, बट कई बार लाइक खान पान की आदतें या बाकी सारा अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, तो दीपन पाचन के लिए आप त्रिकटु चूर्ण, अभिपत्ति कर या पंचकोल का भी आप उपयोग कर सकते हैं, आम पाचक पट्टी का भी कर सकते हैं। सिंपल में मैं बताऊं, यहाँ पे दीपन पाचन का उद्देश्य वही होगा कि पित्त का शमन। तो पित्त का शमन करना है तो आप सिंपल तिक्त रस वाला कोई भी लाइक पटोल है, किरात तिक्त है, या गुरुची है, या मुस्ता है, मुस्ता गुरुची का कॉम्बिनेशन दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये दोनों भी द्रव्य रस और रक्त धातु के ऊपर काम करने वाले होते हैं। सो बस बहुत ज्यादा फैंसी मेडिसिन के साथ भी नहीं जा सकते आप लोग, तो आपको सिंपल रेमेडीज में ही ये मुस्ता और गुरुची का चूर्ण गर्म पानी के साथ 3 दिन के लिए दीजिएगा। अभी देखिए, जैसे पिंपल्स की बात है तो मैंने जैसे बताया शमन और शोधन, तो इसमें शोधन में खास तौर पर विरेचन चिकित्सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मृदु विरेचन करा सकते हैं, जिसके लिए रात्रि में आप गंधर्व हरित की अभिपत्ति कर चूर्ण, एरंडभृष्ट हरित की, या फिर लाइक तीव्रत लेह है, अरगवध है, विरेचक पटी है, सिंपली एरंड ऑयल है, जो भी आपको मिल जाता है वो दीजिएगा। 3 दिन का दीपन पाचन हो गया, फिर हमने एक मृदु विरेचन का डोज दे दिया, देन स्टार्ट आरोग्यवर्धिनी। आरोग्यवर्धिनी क्यों? बिकॉज आरोग्यवर्धिनी ये सभी स्रोतों के ऊपर काम करती है। लाइक अगर फैट लाइक मेरा धातु बहुत ज्यादा विकृत हुआ है, रसरक्त विकृत हुआ है, तो स्रोतों के ऊपर काम करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये मेटाबॉलिज्म का जो ऑर्गन है मेनली लीवर, लीवर के ऊपर ये काम करती है, बिकॉज इसमें कूट की है जो कि भेदन का काम करती है। तो मेटाबॉलिज्म यानी डायरेक्टली अग्नि का करेक्शन हो गया, तो इसके लिए भी हम लोग आरोग्यवर्धिनी देते हैं। देन महामंजिष्टादि काढ़ा, आरोग्यवर्धिनी महामंजिष्टादि काढ़ा, इसमें बहुत अच्छे से अच्छा मतलब काम करने वाले होते हैं। यू कैन गो विथ खदिरादि वटी, खदिरारिष्ट का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। देन लाइक दशांग लेप है, लेप लगा, देखिए इसमें लेप भी लगा सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन के रूप में मुझे लगता है महामंजिष्टादि काढ़ा इज बेस्ट वन, इसमें कोई मतलब दूसरा हम लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इतना बेस्ट है। आप गंधक रसायन, हरिद्राखंड भी, ये 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आरोग्यवर्धिनी महामंजिष्टादि कषाय या फिर गंधक रसायन या हरिद्राखंड, क्योंकि हरिद्रा एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीडर्मल और हरिद्रा का या कुकुरमिन का काफी बड़ी मात्रा पर हम लोग जैसे देखिए हल्दी लगाते हैं, विवाह के पहले हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी लगाना ये जो रिचुअल है इसके पीछे क्या कारण है? हल्दी से गोरापन आ जाता है, स्किन टोन या स्किन का कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होता है। तो बिल्कुल हम लोग शादी के पहले जो भी वधू वर है इन दोनों को हम लोग यहाँ हल्दी लगाई जाती है। उद्देश्य यही है कि उनकी स्किन अच्छी बने, खुले, और जो भी त्वचा के ऊपर का जो भी लाइक क्लेद है, दुष्ट दोष है, मैल है, मेद धातु है, वो निकल जाए, इसीलिए हल्दी लगाने की पद्धति। तो हल्दी इज द बेस्ट रेमेडी। इवन घर में भी कुछ अगर हो जाता है स्किन को, तो तुरंत हम लोग हल्दी का पैक लगा देते हैं। हल्दी का पैक में दूध डालते, कभी बेसन डालते, कभी मसूर का आटा डाल देते, बट हल्दी इज द बेस्ट वन फॉर स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कराने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे रिचुअल्स भी हमारे इसके साथ ही जुड़े होते हैं। तो ये सारा अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि 15 दिन में जो भी आपके पिंपल्स का जो ये है वो इम्प्रूव हो जाता है, और फिर उसका प्रमाण भी कम होता है अगर आपने दीपन पाचन थोड़ा अनुलोमन करके इस प्रकार से दिया। तो अभी लेप की बारी है, तो लेप कई सारे प्रकार के, आप जैसे घरेलू लेप मैंने हमेशा से जो भी बताए है, चाहे वो कोरफड़ का जेल हो, चाहे वो नींबू और हल्दी और दूध का पैक हो, बेसन का आटे का पैक हो, या कुंकुमादि ऑयल का लेप हो, कई बार दशांग लेप का भी काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाते हैं। तो कई सारे लेप आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगे, और एक इसमें मैंने देखा था एक केस में ना शालमली कंटक आदि लेप, बिकॉज शालमली कंटक जिसमें जैसे उसका नाम ही है तो काटे काटे होते उसमें, बट फिर भी शालमली ये रक्त धातु को प्रसादन करती है। तो यहाँ पे हमें रक्त धातु को प्रसादन करना है, और रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध होने से जैसे ये सारे द्रव्य भी पित्त के ऊपर भी काम करते हैं। सो शालमली कंटक लेप या पद्मक आदि गण के जो भी है लाइक पद्मक है, कमल है, इनका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसमें चंदन लाइक चंदन का चूर्ण है ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आमलकी का भी चूर्ण ऐड कर सकते हैं हम लोग, हरिद्रा तो है ही आपके पास, कोरफड़ है, कुमारी है, ये सारा कॉम्बिनेशन। दूसरा एक है इसमें देखिए कषाय, मधुर और तिक्त दोनों गुण आपको इसमें यूज करें। तो लोध्र का लेप, लोध्र मंजिष्ठा बस दो ही लेप लगाइएगा, लोध्र और मंजिष्ठा का लेप लगा सकते हैं। लेप के लिए तो काफी सारे आपके लिए ऑप्शन आ जाते हैं जो पिंपल्स के लिए काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट कराते हैं। अभी इसमें मेरा ये मानना है कि
आपका स्किन का पैटर्न क्या है। अभी जैसे बच्चों की आयु 13-14 साल है तो इसमें कई बार कुछ कृमि की भी ये होती है, हिस्ट्री होती है बच्चों में, तो एक बार डीवर्मिंग करा लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। तो लाइक दीपन पाचन के बाद हम लोग विरेचन के बाद कृमि कुठार रस का भी प्रयोग कर देते हैं तो कृमि जो भी वो निकल जाएंगे, तो इसके लिए भी ये काम आता है। ये भी सोचिएगा एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन और एज, आयु को देखते हुए अर्ली एज में अगर पिंपल्स आते हैं तो मेरा ये अनुभव है, मैंने जैसे देखा है कई सारे केसेस में कि लाइक 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 3 से 4 साल तक पिंपल्स थोड़े होते हैं, बट जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं बच्चे तो पिंपल्स अपने आप कम हो जाते हैं। मे बी जो एक हार्मोन्स का बदलाव है, सिक्रेशंस है, कुछ थॉट्स है उनके उनके चलते भी, बट एक बार आप स्टेबल हो जाते हो, एक बार आपने प्यूबर्टी को एक्सेप्ट कर लिया, जो भी चेंजेस होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो शायद बाद में पिंपल्स, कई सारे केसेस में ऐसे देखा गया है कि 1-2 साल पिंपल्स आते हैं अपने आप, बाद में चेहरा इतना सुंदर और क्लियर हो जाता है। सो ये भी सारी बात है या इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। आपको शोधन और अगर कराना है तो यू कैन गो विथ, तो करा लीजिएगा। आप रक्तमोक्षण भी करा सकते हैं, रक्तमोक्षण के लिए जलों का बेस्ट है। लाइक बार बार थोड़े आते हैं और ना केवल पिंपल्स बट वो बड़े बन जाते हैं, लाइक टिपिकल रक्त पुष्टि के जैसे ब्लिस्टर्स टाइप में अगर वो हो जाते हैं तो वहां पर उसमें खुजली या लाइक पेन भी कभी कभार होता है ना पिंपल्स में, तो इसीलिए उसका नाम ही युवान पीड़िका मुख दूषिका है। और उसकी निरुक्ति या उसका वर्णन करते समय भी वही बताया कि इसमें पेन होता ही है थोड़ा सा और खुजली इचिंग भी होती है। तो इसको अगर आपको ये करना है तो आप रक्तमोक्षण या जलों का उच्चारण के साथ भी जा सकते हैं। सो शोधन में आप लाइक वमन है, विरेचन है, इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप रक्तमोक्षण का भी सहारा ले सकते हैं जो कि अच्छा है रक्त दृष्टि के लिए भी और पित्त दृष्टि के लिए भी अच्छा है। इसमें और कुछ मैं एड ऑन करना चाहूंगी कि लाइक कुछ आपको लाइक मेडिसिन हम लोग क्या दे सकते हैं, आप इसमें रक्त दोषाहार जो कचा आता है वो भी दे सकते हैं, एक गुगुल का भी आता है वो दे सकते हैं, अभिपति का चूर्ण तो मैंने बताया। इसमें नींब कषाय या नींब वटी ये भी अच्छी काम करेगी क्योंकि नींब त्वचा के लिए और तिक्त गुण वाला है, तो तिक्त गुण के कारण वो रक्त का प्रसादन भी करता है, रस धातु के लिए भी काम करता है और पित्त का भी शमन करता है। सो यू कैन गो त्रिफला गुगुल, त्रिफला का पाउडर चेहरा धोने के लिए, त्रिफला का पेस्ट अप्लाई कराने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सो ये भी आप सोचिएगा, त्रिफला भी बहुत बेस्ट तरीके से काम करता है। केशर गुगुल, केशर गुगुल भी काफी यूज किया जाता है, इसमें बृहद त्रिफलादि चूर्ण है लाइक ये सारे भी आप यूज कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन थेरेपी के बारे में मैंने बताया है, सो आई थिंक यष्टि मधु भी काम करेगा, यष्टि मधु घृत का भी आप दे सकते हैं। इसमें कुछ योगासन लाइक एक्ने के लिए प्राणायाम वगैरह भी है, इसके साथ साथ आप शवासन करा सकते हैं, सर्वांगासन का अच्छा रोल रहेगा इसमें, हलासन का अच्छा रोल रहेगा वो भी है, भ्रामरी प्राणायाम करिएगा, शीतली प्राणायाम जो कि पित्त का शमन कराने के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं, इसका भी आप यूज करें, जरूर करें। और बाकी पथ्यापथ्य में तो आप सभी जानते हैं, तीखा मसालेदार भोजन, ऑयली फूड, फास्ट फूड, इंस्टेंट फूड, इन सभी से बचे, रात्रि जागरण से बचे और सिंपल सिंपल रेमेडीज भी। और एक इसमें लाइक कुछ भी स्किन का हाइपरपिगमेंटेशन हो जाता है, देखिए स्किन की जो हाइपरपिगमेंटेशन है बहुत वैरायटी में मिल जाता है, अगर आप पिगमेंटेशन हाइपरपिगमेंटेशन की बात करते हैं लाइक कुष्ठ व्याधि के इतने सारे प्रकार है बिल्कुल, तो इसमें गंधक द्रुति आती है ना, गंधक द्रुति आप लेप के रूप में भी लगा सकते हैं, ये काफी महाराष्ट्र में काफी अच्छे से यूज किया जाता है, काफी अच्छे से इसका रिजल्ट भी मिल जाता है और यूज भी इसको किया जाता है। सो आरोग्यवर्धिनी, मंजिष्ठादि, अभिपत्ति का चूर्ण बेस्ट सिंपल रेमेडी है और आपको क्योंकि गंधक ये त्वचा के लिए बहुत ही अच्छे से काम करने वाला एक ड्रग माना गया। बाकी तो स्किन केयर है लाइक पेट साफ रखना हो गया, पानी भरपूर पीना हो गया, प्रॉपर स्लीप हो गई और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि प्यूबर्टी में मतलब प्यूबर्टी अच्छी हो इसके लिए हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। आपके डाइट में एक न्यूट्रिशनल चीजें हो जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो, लाइक कुछ प्रोबायोटिक भी हो, लाइक दही छाछ का भी आप समावेश करें जो सिंपली बहुत ही अच्छे से
आपके लिए त्वचा के बेहतरीन या रक्त प्रसादन करने के लिए बहुत ही अच्छे से काम करने वाले होते हैं। इसमें बाष्प स्वेदन भी देते हैं, जैसे पार्लस में वगैरह स्टीम दी जाती है ना, उसी प्रकार से आप तौलियों को गर्म करके भाप भी दे सकते हैं। बिकॉज स्वेदन से भी कुछ कंडू और त्वचा का जो रूखापन है वात का शमन कराने के लिए हम लोग इसको दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये भी कंप्लेन होती है कि इरिटेशन या मूड स्विंग्स हो जाते हैं, पिंपल्स के साथ नींद नहीं आती है, तो इसमें आप नस्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। नस्य के लिए आप सिंपली, क्योंकि ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है ना मुख दूषिका, तो नस्य बेस्ट रहेगा, तो नस्य के लिए आप अणुतेल या पंचेंद्रिय वर्धन या तिल तेल भी आप यूज कर सकते हैं। सो वो भी आप इसमें कलेप आप दे लगा सकते, वो भी मतलब इसके लिए अच्छे रिजल्ट मिल जाते। मिल्क दूध के साथ, बस दूध और कुछ आपका जो भी आपके घर में बेसन है, मसूर का आटा है, उसको भी आप लगा सकते हैं। फिर लेप, इसमें एक दालचीनी का लेप भी बहुत अच्छा काम, सिनामोम का लेप जो बनता है ना, थोड़ा सा पाउडर सिनामोम का, और इसमें आप ये डालिएगा, थोड़ा सा दूध डालिएगा, इसका भी आप लेप लगा सकते हैं। और एक दूसरा ट्री है जो अपने अर्जुन की त्वचा का भी लेप अच्छा काम करता है, बिकॉज अर्जुन भी कषाय तिक्त गुण वाला है। आप अर्जुन अरिष्ट भी दे सकते हैं, अर्जुन का पाउडर आप दूध में मिलाकर दे सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे से काम, मतलब पोषण भी हो जाएगा और रक्त का प्रसादन भी करेगा। मंजिष्ठा चूर्ण है, मंजिष्ठा का पाउडर भी आप लगा सकते हैं। कुंकुम आदि ऑयल का मैंने बता दिया आपको, शालमली का डक का लेप मिल जाता है, वो भी हम लोग लगा सकते हैं। हरिद्रा खंड है, हरिद्रा का लेप है, मसूर दाल का पाक लगा सकते। सो आई थिंक आप सभी के अनुभव के हिसाब से कई सारे ऐसे कर्म हम लोग करते हैं या कई सारे प्रकार के फेस पैक्स अवेलेबल होते हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इसमें अग्नि कर्म भी करा सकते हैं, क्षार कर्म भी करा सकते हैं जरूरत पड़े तो, क्योंकि लाइक दृष्टि जितनी ज्यादा तीव्रता होगी, तीव्रता से होगी, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था, आप भी ऐड करिएगा, इसमें कुछ ऐड करना होगा। चंदनासो और फिर मंजिष्ट का प्रयोग है इसमें, और जो त्वचा के प्रसादन के लिए काम करने वाले, त्वक वर्णता प्रदान करने वाले जो भी द्रव्य है, आप सिंगल हर्ब्स के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका लेप लगा सकते हैं। बट मुख दूषिका की चिकित्सा मेरे हिसाब से तो लाइक इंटरनल मेडिसिन, एक्सटर्नल मेडिसिन, इन सभी के साथ करनी चाहिए। लेप भी लगाए, कुछ कुछ इंटरनल मेडिसिन भी ले, और जरूरत पड़े तो शोधन भी करे, क्योंकि शोधन मुझे लगता है अच्छा रहेगा, क्योंकि शोधन से पूरे कोष्ठ शुद्धि हो जाती है, तो बार बार पिंपल्स आने की जो समस्या है वो भी कम हो जाती है। बट ये भी एक अनुभव देखा गया है कि आप जब तक करेक्शन नहीं कराते लाइफस्टाइल में, तब तक ये संभव भी नहीं हो पाता, बाकी कितना भी करे। एक बार बच्चे ने अच्छे से लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली, उसको समझ आ गया कि ये खाना सही है, ये गलत नहीं है, तो 2-3 साल में तो बस कवर अप हो जाता है। ये एक प्यूबर्टी का मेजर इश्यू है, इसके लिए मैंने इसको पहले लिया, पिंपल्स युवान पीढ़ी का मुख दूषिका। अभी ये मेरी तरफ से था, अभी आप बताइएगा आपके क्या अनुभव है, आपने किस प्रकार से केसेस ट्रीट की है, और कुछ अलग से इसमें आपने यूज किया होगा तो वो भी बताइएगा। लाइक जैसे मैंने बताया कि शालमली कंटक का लेप भी बहुत अच्छे से काम करता है, एकदम से बहुत अच्छा काम करता है। यस, नमस्कार सभी को। वैशाली जी नमस्कार, बताइए आप क्या यूज करती मैम, डॉक्टर वैशाली। हाँ नमस्कार मैम, अभी ज्वाइन किया जस्ट। हाँ हाँ, लाइक मुख दूषिका में क्या करते हैं आप कुछ पिंपल्स में? अच्छा, मुख दूषिका में मैम पहले लघु विरेचन देती हूँ मैम, और मतलब हिस्ट्री पूरा लेके उनको डाइट चार्ट देना, और एक्सरसाइज, और सूक्ष्म त्रिफला, पित्त की जैसे दृष्टि है उसके हिसाब से सूत शेखर या कामदुधा, मतलब नित्य अनुलोमन भी देती हूँ मैम, और पाचन पहले रस रक्त पाचन 1 हफ्ते के लिए इतना देती हूँ, और फिर उसके बाद में आम पाचन होने के बाद फिर रक्त दृष्टि और रक्त की क्वालिटी बढ़ाने के लिए तापेदि लोह वगैरह ऐसे दवाइयां देती हूँ। ओके। और लेप में भी देती हूँ, लेकिन वो फिर पर्सनलाइज रहता है कि पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है, प्रकृति के हिसाब से। देखिए इसमें प्रकृति बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक वैशाली आपने प्रकृति को भी सीखा है ना, प्रकृति का किया है ना आपने सेशन पूरे। यस यस, ओके ओके, बताइए सपना जी, कीर्ति मैम, डॉक्टर कीर्ति पटेल, डॉक्टर अलका जी, आशा जी। मैम परिपाठादि काढ़ा है ना, उसका अच्छा रिजल्ट है, इसमें शामता रहेगी तो फर्स्ट हफ्ते में।
और फिर बाद में सारी वाद्य सब वगैरह ऐसे दे सकते हैं फिर। यस यस डेफिनेटली। परिपाठादि काढ़ा एक भूल गई थी मैं, बिल्कुल वो भी अच्छा काम करता है ना। यस तो ये मुझे लगता है ना मैम प्यूबर्टी में तो ये कॉमन है, 1-2 साल आते हैं पिंपल्स और जी बाद जी में अपने आप ही चले जाते हैं, हमको ये आश्चर्य लगता है कि अरे हाँ अच्छा हो गया, क्लियर हो गया चेहरा। जी। सिर्फ मैम डाइट चेंजेस बोले और एक्सरसाइज, अच्छे से नींद लेना, समय पे खाना, अच्छा खाना, इतना बोला तो भी मैम मतलब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन के साथ साथ ये भी बोलना चाहिए अच्छे से, तभी क्योंकि रिजल्ट। मुझे लगता है ना कई लाइक बच्चों को इस एज में आयुर्वेदिक मेडिसिन खिलाना भी थोड़ा मुश्किल पड़ हाँ जाता है। जी जी मैम ओके यस बताइए आपने आशा सही जी। बताया, बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बताया इसमें। एक तो विरेचन का ही मेन रोल रहता है मैम, मुझे लगता है तब तक क्योंकि यहाँ पे पित्त की वृद्धि ही कारणभूत रहती है जो भी एक्ने वगैरह है उसमें, और उसके साथ साथ कुछ उनके पास उन साथ में जो भी कुछ लक्षण रहते हैं जैसे कफ का हो गया या फिर वायु का हो गया संलग्नता, तो उसके अनुसार हम लोग औषध प्रयोग कर सकते हैं। मेनली तो इसमें विरेचन, जो लघु विरेचन मैम ने बताया मैं भी वही कराती हूँ, और अनुलोमन, ये हरीतकी से या फिर एरंडपृष्ठ हरीतकी हो गया या फिर आप त्रिवृत्त दे दो कुछ भी, तो पेश कोष्ठ की शुद्धि होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब डाइट प्लान वगैरह सभी देते हैं। एक मेरे पेशेंट में मैंने रिजल्ट देखा था, उनको काफी मतलब वो थे 25 ईयर्स के और उनको 16 ईयर्स से पिंपल्स की प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वो हेरिडिटरी था, उनके फादर मदर दोनों में ऐसा देखा गया था कि पिंपल्स उनके एज में भी हुए थे, और बच्चों का लाइफस्टाइल भी ऐसा ही था, हॉस्टल में रहते थे दोनों, यहाँ पे ट्विंस थे तो उनको काफी प्रॉब्लम आती थी। तो बोले मैडम हम लोग ने बहुत सारे मतलब कॉस्मेटिक वगैरह यूज कराया, वो एंड में फिर लेजर थेरेपी यूज कराने के लिए जाने वाले थे, तो मेरे पास आए तो मैंने उनको सिंपल सिंपल ऐसे मंजिष्ठादि कषाय, सारी वाद्य सब, थोड़ा उशीर वगैरह बीच में चला दिया, और लेपन वगैरह में के लिए मैं उनको देती थी लोद्र, मंजिष्ठा, वचा, अश्वगंधा, शतावरी, कुटकी, दारू हरिद्रा और निम्ब पंचा, और थोड़ा सा यश की निम्ब मधु पंच का वगैरह। अच्छा है मैम, निम्ब पंच अच्छा काम करता है। हाँ यस तो ये एक लेप का मुझे उनमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। हाँ कंटिन्यू मुझे देना पड़ा था उनको 3 से 4 महीने के लिए इंटरनल मेडिसिन के साथ, आरोग्यवर्धिनी वगैरह चलाया था, त्रिफला वगैरह, तो मतलब उनका रिड्यूस हो गया था। लेकिन मैम यही है लाइफस्टाइल, जैसे आप हम तो इतना कंट्रोल करवाते हैं लेकिन वो बच्चे हैं ना, तो जाके फिर कुछ खाते पीते हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो बार बार आते हैं मेरे पास, तो मैं यही बोलती हूँ थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो। और इसमें जैसे आपने बताया बिल्कुल स्टीमिंग, स्टीमिंग देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी सेबेसिस ग्लैंड के अंदर जो पोर्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, जो मल जमा हो गया है, तो उसको निकालने के लिए हम तुलसी निम्ब वगैरह से स्टीमिंग दे सकते हैं, तो ये मैंने उनमें करवाया था तो बिल्कुल काफी अच्छा रिजल्ट आया था। जी मैम यस मैम बिल्कुल। और कोई बताइए। अच्छा मैम फिर से एक बार बता देंगे आप लेप के लिए आपने जो ड्रग्स बताए लोध मंजिष्ठा वचा वगैरह। मैम ये पर्सनलाइज रहता है क्योंकि उनमें ना मुझे त्रिदोष की वृद्धि मिली थी, और जो खान पान की जो या फिर वो लोग ज्ञान इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे तो रात्रि जागरण ये सब सारे निदान मिले थे, तो उसके अनुसार मैंने बनाया था ये लेप। पहले मैंने सिंपल सिंपल ही लेप यूज किया, जैसे हम मंजिष्ठा वचा और अपना ये जो तुलसी वगैरह का लेप देते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने ये किया था वचा, मंजिष्ठा, यष्टिमधु, शतावरी, अश्वगंधा, लोद्र, दारू हरिद्रा और निम्ब पंचांग, ये कुछ 8-9 इंग्रेडिएंट्स मिला के दिया था। उसके बाद उनका पिंपल्स आना कम हो गया, फिर मैंने उनको ये घर पे ही बना के पैक दे दिया था कि बोलो ये यही लगाओ, तो उन्होंने कंटिन्यू भी किया था। जी ओके यस मैम और कुछ मैम वो आपने पाचन के लिए जो बताया है गुड़ची, मुस्ता, पटोल और किरातिक, तो गुड़ची हाँ हम मैम, ये जो हम लोग अग्रलेप पाचक योग में हमने पढ़े थे ना, जो भी 5 धातुओं के पाचक योग है ना, रस रक्त पाचक, उसमें से रस रक्त का कॉम्बिनेशन में हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए पटोल, किरातक, निम्ब और मुस्ता, क्योंकि पटोल मेन है, काफी सारे पाचक योग में पटोल है, मुस्ता भी कॉमन है और किरातक, ये सारे कटु रस वाले भी है, कड़ू है, तो कड़ू रस पित्त का शमन करता है, त्वचा प्रसादन के लिए भी काम करता है। सो आप मैंने सिंपल बताया, लाइक आप लोगों का हमेशा रहता है कि पाचक योग नहीं मिलते हैं, तो आप चूर्ण यूज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुस्ता, पटोल, किरातक, निम्ब, इनका भी उपयोग कर सकते हैं, तो वो भी पाचन दीपन करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस प्रकार से। तो मैम सबको इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं। हाँ इक्वल क्वांटिटी, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में।
आप त्रिकटू से भी करा सकते हैं मैम, आप ना अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आंवले की चूर्ण भी दीजिएगा 3 दिन के लिए, तो वो भी लाइक होता है काम, या फिर गुरुचि चूर्ण दीजिएगा वो भी होता है, गुरुचि भी रस रक्त का प्रसादन करती है, गुरुचि बहुत बेस्ट काम करती है। ऐसे कई सारे सिंगल हर्ब्स भी है जो हम लोग इस टाइप से आम का पाचन कराने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिला तो मैं हमेशा जो बताती हूँ शुंठी का सवेरे शुंठी सिद्ध जल, शुंठी का पीस लीजिएगा, उसमें नमक डालिएगा, उसको खा लीजिएगा, बस आपको झंझट नहीं चाहिए। जैसे बच्चे तो सुनेंगे नहीं, आप नगर नमक लगाकर सेंधा नमक लगाकर खाने को देते तो शायद वो उनको थोड़ा टेस्टी लगे, तो वो भी दीजिएगा। आज मैंने एक शेयर किया था चिंचा पानक, तो टैमरिंड का जो भी है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, टैमरिंड का भी दीपन पाचन के लिए, तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। शुंठी का आप सिद्ध जल बनाइएगा, जैसे एक छोटा पीस लेकर उसको उबाल कर पीने को दीजिएगा, इसमें गुड़ डालिएगा और टेस्ट लगेगा, लाइक गुड़ से तो नुकसान नहीं होगा बट आपका जो उद्देश्य है आम पाचन कराने का वो भी साध्य हो जाएगा। तो थोड़ा युक्तिपूर्वक हम लोग ऐसे घरेलू तरीके से भी पेशेंट, क्योंकि थोड़े मैंने देखा ना आयुर्वेदिक मेडिसिन काफी महंगे भी होते हैं, वैसे देखा जाए तो हम लोग सिंपल आरोग्यवर्धिनी भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो 100 रुपए की एक डब्बी आती है, या कोई भी आरोग्यवर्धिनी हो कोई भी गुड़ हो तो 100 रुपए के नीचे तो कोई दवा है ही नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल ट्रीटमेंट्स भी देते हैं तो बेहतर रहता है पेशेंट्स के लिए ना, ये भी एक समस्या होती है कि काफी महंगे हैं हमारे मेडिसिन। वही जी मैम, ये शुंठी सिद्ध घृत का तो मैं भी कराती हूँ, नॉर्मली 85% में यही रहता है कि आप विरेचन के लिए दे दो या पाचन के लिए दे दो शुंठी सिद्ध घृत का, और शुंठी सिद्ध जो जल है उसके अंदर गुड़ डालते हैं, हमें थोड़ा अजवाइन भी डलवाती हूँ, तो उसमें मतलब पेशेंट घरेलू तौर पर भी कर सकता है, कोई झंझट भी नहीं होता है। आप इसमें क्यूमिन भी डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, तो वो तो मतलब एकदम टिपिकल हो जाएगा मैम। जैसे पंचकूल का हम लोग उपयोग करते हैं ना, त्रिकटु चूर्ण के भी वही गुण है ना, उष्ण कटु तीक्ष्ण, तो बस वही काम हो जाता है ना। तो आम अगर ज्यादा नहीं है और लाइक यंग एज है तो ऐसे में आम पाचक पट्टी क्यों देना, इससे भला हम लोग ऐसे ही सिंपल रेमेडीज का उपयोग करेंगे। बिल्कुल मैम, और इसमें एक एड ऑन करना चाहूंगी, ये यहाँ पे कोकोनट वाटर का हम लोग प्रक्षालन के तौर पे यूज कराते हैं, वॉश कराते हैं, तो उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। चेहरे को लगाने के लिए, चेहरे को दिन में दो से तीन बार धोने के लिए बोलते हैं उससे, कोकोनट वाटर से, उससे भी काफी मतलब मुखतुषिका में जो रिजल्ट मिलता है ना उसमें, हमारी इंटरनल एक्सटर्नल मेडिसिन के साथ ये एक प्रयोग भी मैं करवाती हूँ। जी मैम, तो उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, शुद्धि होती है मुख्य, मतलब कोकोनट वाटर में बोलते हैं ना कि उसके अंदर सारे मल्टी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो उसकी वजह से ये शुद्धि भी करता है, शमन करता है ना, पित्त का भी शमन भी कर रहा है। जी ओके, वैसे मुझे लगता है ना कि हम लोग यहाँ त्रिफला का प्रयोग करते हैं, त्रिफला धावन, मतलब त्रिफला पानी से चेहरे को धोने को लगा देते हैं, बिकॉज त्रिफला भी खुजली वगैरह कम कराता है, तीनों दोषों का शमन कराता है, और जैसे रसायन का भी काम होता है, स्किन भी इम्प्रूव होती है ना, स्किन की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, तो इस प्रकार से भी हम लोग कराते हैं। बिल्कुल, और मैम नींबा का भी अच्छा है इसमें रोल, लाइक नींब है, तुलसी है, करा सकते हैं उससे भी, तुलसी का भी है। आप चाय में मैम, जैसे सपना जी आप ऐसे एक अच्छी वाली देखिए, मैंने आपको कई सारे सेशंस में पाणक कल्पना पढ़ाई, तो ऐसे ही आप खुद से ना ऐसे रेमेडीज तैयार करिएगा कि सवेरे उठने के बाद पेशेंट को क्या देना है। हाँ यस मैम, तो आप खुद से ना ऐसे ही एक थोड़ा हर्बल टी के रूप में ना तुलसी के पत्ते है, जीरा है, अजवायन है, शुंठी थोड़ा पीस कर और उसमें फिर गुड़ डालकर इसका प्रयोग करिए, तो मुझे लगता है रोज हम लोग एक महीना भर भी अगर ऐसे नए नए कुछ बनाएंगे तो चाय कॉफी तो भूल ही जाएंगे, इतना अच्छा हम लोग बना सकते हैं, दे सकते हैं पेशेंट्स को। बिल्कुल मैम, हमेशा एडवाइस करते हैं हम लोग भी कि चाय कॉफी छोड़ दीजिए, लेकिन उसका ऑप्शन भी कुछ देना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को जो हैबिट लगी हुई है वो छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, और मैं मेरे पेशेंट में हमेशा ये बोलती हूँ आप पुदीना डालो, तुलसी डालो, क्यूमिन डालो, सुंठी या अदरक डाल दो, और थोड़ा गुड़ नहीं तो मुनक्का भी डाल दो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ पानक कल्पनाएं देनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को हैबिट रहती है उसकी।
बिल्कुल बिल्कुल और दूध वाली चाय के साथ विरुद्धासन भी होता है, आप वो लोग कुछ भी नाश्ता वाश्ता करेंगे तो वो विरुद्धासन होता है, तो वो भी स्किन बिल्कुल पे हमेशा इफेक्ट करता है, हमें ऐसे तुरंत नहीं दिखता है लेकिन वो 5-6 साल के बाद वो संप्राप्ति बन के। नहीं। और इस एज में ना एक्चुअली क्या होता है, 8वीं 9वीं के बाद पढ़ाई बढ़ जाती है। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो पढ़ाई जी बढ़ जाती है, बच्चे बोलते हैं कि रात में नींद आती है। तो मैंने कई सारे बच्चों को ही नहीं, लाइक पीजी, आजकल तो पीजी भी लेट लाइक करते हैं ना, पीजी भी जी डॉक्टर्स जी भी जी करते हैं, तो वो भी लाइक ब्लैक टी ब्लैक कॉफी बहुत पीते हैं कि नहीं पढ़ाई नहीं हुई तो रात में नींद नहीं आनी चाहिए, तो ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी। और बच्चों में भी इसी एज में चाय कॉफी की आदत लग जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी बड़ा हो गए कहीं पे जाते थे नहीं, थोड़ा चाय पी ले। हमारे यहाँ चाय का ज्यादा चलता है, कोई भी आ जाता है तो जी वैशाली मैम, को पता हमारे है कि यहाँ चाय भी है। बनती है पहले तो चाय पहले बनती है। तो चाय ऐसे फिर आगे उनको थोड़ा हम लोग आग्रह करते कि ले लो थोड़ा सा, ले लो आधा कप ले लो चाय, कुछ नहीं होता, अभी बड़े हो गए हो। या फिर पढ़ाई को बैठ जाते तो फिर एक वही आता है सामने कि अरे चाय पीने से, एक्चुअली चाय का ऐसा कुछ ये नहीं है, चाय तो मधुर रस वाली है। कुछ बच्चों में उल्टा होता है, वो बोलते कि चाय पीने से नींद आने लग जाती है, क्योंकि मीठी चाय होती है तो फिर उसकी भी एक वो हो जाता है। तो पता नहीं अभी, बट एग्जैक्टली इस एज में चाय कॉफी का सेवन भी बढ़ जाता है। और इसके साथ भी चाय, ये कषाय और तीखा गुड़ वाली होती है ना चाय, और जी बिल्कुल वो नहीं प्रमुख मैम, करा देती है उसको। चाय का जो यूज है ना, ओरिजिनली चाइना से उसका ओरिजिन माना जाता है, तो चाय जो रहती है उसको वो लोग ओरिजिनली जो जापान चाइना में बनाते हैं ना, वो बगैर मिल्क के बनाते हैं, और हमारे हाँ हाँ यहाँ आते मैंने आते उसको, जैसे, मैंने डाइट के सेशन में चाय कैसे बनाना वो भी वही हाँ पढ़ाया था कि लाइक तो ऐसे हम लोग जो इंडिया दूध में उबाल कर बनाते वो नहीं बनाना वो चाहिए। बिल्कुल गलत है, हमारे इंडिया में आते आते फिर हमारे यहाँ जो मुगल्स वगैरह थे ना, तो उन्होंने उसमें अलग अलग तरीके से फिर चाय बनाना शुरू किया, फिर वहां से ट्रेडिशन चेंज हो गया, अदरवाइज ओरिजिनल वे ऑफ मेकिंग टी इज ओनली विथ वाटर, बिल्कुल काढ़ा, सिंपली हर्बल काढ़ा टी। काढ़ा राइट। यस 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 बिल्कुल। सो आई थिंक मुख्य दूषिका को लेकर अलका जी, सपना जी, और कोई सवाल और कोई शंका हो तो मुझे लगता है कि हाँ मुख्य मैम, एक दूषिका, क्वेश्चन था, और जैसे मैंने बताया पेट साफ होने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और हेल्दी लाइफस्टाइल ही। आप पूछिए मैम पूछिए, कुछ कुछ पेशेंट्स में ना लाइक सन को लेकर बहुत एलर्जी होती है, आपकी जब भी वो आवाज धूप में कट। या हाँ पूछिए। हीट में जाते हैं तो वो बॉयल्स लाइक फॉर्म हो जाते हैं, उसमें बहुत इचिंग होती है, छोटे छोटे पल्स जैसा भी फॉर्म हो जाता है ऊपर। समझ नहीं आ रहा आपका, कुछ भी समझ नहीं रहा मैम। हेलो, आई थिंक कुछ नेटवर्क नहीं इश्यूज समझ है, रहा नेक्स्ट आपका। सेशन में पूछती हूँ या ग्रुप पे डाल देती हूँ। हाँ यस पूछिए मैम। सपना जी, अंजू, मैम ये पूछ रही थी, कुछ कुछ लोगों में ना सन को, सन आपकी से आवाज बहुत क्लियर एलर्जी नहीं रहती है। है। सपना मैम, आप अपना क्वेश्चन लिख के दे दीजिए ना चैट बॉक्स में। यस सपना जी, अंजू कुछ पूछना है आपको। मैम एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, क्या टॉपिक चल रहा था मैम? अभी तो हम लोगों का मुख्य दुखिका चल रहा है, प्यूबर्टी रिलेटेड ये इंपल्स। जी मैम, थोड़ा कल का, कल आप ठीक है बता रहे थे ना मैम, थोड़ा इसका ही प्यूबर्टी का, जो लड़कियां एथलेटिक्स में मतलब होती है उनको थोड़ा हाँ मतलब टाइम है ना, मैं हाँ एक्चुअली वही थोड़ा एक्सपीरियंस, मैं मेरे पास जैसे लड़कियां कई आती है ना एथलीट, उनकी जो बॉडी हाँ बिल्ड भी ना थोड़ी मतलब मैनली हो जाती है, मैंने रिसेंटली मैं ये नोटिस कर रही थी, और बच्ची है आपकी छोटी? हाँ जी मैम शोर मचा रही है वो, तो मैं वही, वो आपका अच्छा था लेक्चर, वो आपने अच्छा बताया वो सारा ना, कि जैसे जिन मैंने भी नोट किया कुछ, कि जो फिजिकली एक्टिव एक्सरसाइज वगैरह करती हैं लड़कियां, उनको डिलेड पीरियड, थोड़ा पीरियड लेट आते हैं, वो आपका अच्छा था टॉपिक, मैंने आज तो नहीं, मैंने अभी पूरा सुना, फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो फिर
करूंगी नहीं, आज तो हम लोग पिंपल सिंपल हमने पिंपल्स को लेकर डिस्कशन किया है, ताकि कैसे पेशेंट्स बहुत आते हैं पिंपल्स के भी प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज में, और बच्चों को बड़ा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, शाय फील होता है ना पिंपल्स आने लग जाते, तो वो कहीं बाहर आने को तैयार नहीं होते, ऐसे मुंह मतलब फुलाकर बैठ जाते घर में कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत सारे बच्चों को देखा है ना, तो बाहर आने को तैयार नहीं होते, कहीं पे जाना होता है तो नहीं बोलते पिंपल्स आ गए चेहरा भर गया है कैसे आए, तो उनको शर्म आती है अच्छा नहीं लगता है। ऐसी मैम कंडीशन में क्या दे सकते हैं? वैसे है मेरे पास एक पेशेंट फैमिली मेंबर ही है, तो वो भी जैसे लड़का है 15-16 साल का, वही प्यूबर्टी वाली एज उसकी, अभी उसका ना फेस अच्छा। सारा वो भी थोड़ा वरीड रहता है इस चीज के लिए कि हाँ मेरे फेस पे पिंपल हो रहा है। अनुलोमन करिए उसका, पहले आप उसकी प्रकृति देखिएगा, हिस्ट्री लीजिएगा, खान पान क्या देते और सजेस्ट करेगा पूरा अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, होलसम एंड होलसम डाइट वगैरह, फिर अभिपति का चूर्ण से थोड़ा सा विरेचन करवाइएगा, और फिर बाद में ना महामंजिष्ठादि काढ़ा, आरोग्य वर्धिनी, और एक जैसे शालमली कंटक लेप आता है, रेडीमेड आता है ये लेप, वो लेप लगाने को दीजिएगा उसको। इस एज में ज्यादातर ना बच्चे लेते नहीं है मेडिसिन, कुछ ऐसी है, हमें सिलेक्टेड मेडिसिन हमारे चल रहा था, वही चल रहा था हमारा डिस्कशन की मेडिसिन नहीं लेते हैं बच्चे। हाँ जी, तो बड़ी सिलेक्टेड सी मेडिसिन उनको देनी पड़ती है, लेकिन काढ़ा इज ओके ना मैम, महामंजिष्ठादि काढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो इजीली ले सकते, लेप भी लगा सकते हैं, ज्यादा मेडिसिन तो हम लोग नहीं देंगे, बट महामंजिष्ठादि काढ़ा कुछ तो इंटरनल चाहिए ना। जी मैम, कंटकारी वो क्या वो बेस्ट है, लेप बेस्ट है, उसका पेट साफ होने पे ध्यान दीजिएगा, और बाकी लाइफस्टाइल अच्छी, नींद हो, वो तो है आजकल लाइफस्टाइल तो मतलब वो फास्ट फूड वाला तो है ही सबका ना थोड़ा, वो तो करेक्ट करवाइएगा मैम, और टेंशन फ्री रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, और कुछ देखिए मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आप खाओ थोड़ा सा, अभी कैसा एज है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है ये कारण जो है अवेलेबिलिटी, आपके घर के बाजू में ही वड़ा पाव का ठेला है, तो आते जाते आप देखते तो आपका मन जाएगा ना, तो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसके कारण भी ये हैबिट्स होती है, तो आप ना एटलीस्ट 25% वो गलत फूड है तो 75% तो अच्छा लो। हाँ जी मैम, एक मैम जो आपने ये लेट नहीं है पूरा 100% तो करेक्ट नहीं करा सकते ना अभी, तो ठीक है ना 25% के वो लिया तो 175% तो आप एड ऑन करिए ना कुछ तो अच्छा वाला, तो ठीक है उस बैलेंस मतलब उसका जो परिणाम होना है वो नहीं होगा, इसका परिणाम दिखना चाहिए, वो खाइए आप, आपके टेस्ट के लिए खाइए, चेंज के लिए खाइए, बट ये ज्यादा खाइए और वो कभी कभार खाइए ना, वो तो करा सकते, हम लोग एकदम से बंद कर देंगे नहीं, आज कुछ भी नहीं खाने का, बिल्कुल नहीं खाने का तो कोई मानेगा नहीं, और ये संभव भी नहीं हो पाता, हम लोग बाहर चलते हैं काम की वजह से, कुछ ये होता है तो वहां पे तो खाना पड़ जाता है ना, तो ठीक है इट्स ओके, बट यू कैन ऐड द अदर मटेरियल, 75% तो ऐड ऑन कर सकते हैं अच्छा वाला, तो गलत का प्रभाव कम करिए। हाँ जी मैम, मैम जो आपने वो लेप बताया वो डेली यूज करना है फिर? हाँ हाँ बिल्कुल डेली यूज करिएगा, डेली यूज करिए। ओके, एटलीस्ट अगर अगर कोई पेशेंट जैसे ऐसे आते हैं, अगर बच्चा इंटरनली नहीं भी ले रहा, वैसे तो हम तो कहते हैं कि हाँ इंटरनली लेनी है, बट बाई चांस तो फिर हम एटलीस्ट एक्सटर्नली तो उसको दे सकते हैं। हाँ हाँ मैम, एक्सटर्नल के लिए आप तो बहुत है, लाइक कोई भी आप हल्दी वाला पैक लगा सकते हैं, लोध्र मंजिष्ठा का पैक लगा सकते हैं, कई सारे पैक्स आपको मिल जाते हैं ना रक्त शोधन कराने के लिए, दशांग लेप लगा सकते हैं, उसका भी है अच्छा रोल है, आप सिंपली घर में बेसन का आटा है तो उसमें भी हल्दी डालकर दूध डालकर उसका लेप लगाइएगा, मंजिष्ठा लोध्र रक्त चंदन बेस्ट लेप है इसका। जी मैम, थैंक यू मैम। यस यस, आई थिंक सपना जी आपने डाला है कि फेस पर भी रैशेस हो जाते हैं, मृदु कोष्ठ है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, अच्छा एलर्जिक है, अच्छा मैम ये एलर्जी का, ये शीत पित्त टाइप का लग रहा है मुझे, तो आपने जो लक्षण डाले हैं ना शीत पित्त टाइप का है। अभिपति का चूर्ण जब भी लाइक गैस के पास में भी वर्क किया पेशेंट ने, हीटर के पास या फिर सन में गया, तो फेस पे भी पूरे रैशेस आते हैं, फिर वो स्किन थोड़ी सी हार्ड जैसी हो जाती है फेस की भी, और सीवियर इचिंग रहती है। बिल्कुल, तो इसमें आपको पित्त का शमन ही कराना होगा, मुझे लगता है ये शीत पित्त का टिपिकल केस है, इसमें आप सुशेखर अभिपति कर चूर्ण और एक गुलकंद ऐड ऑन करवाइएगा, मुक्ता पिष्टि प्रभार, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है पित्त शमन के लिए और कोई भी रिएक्शन के लिए, ऐसे रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन ही है ना ये एक प्रकार से, शीत पित्त ही है मैम, इसमें विरेचन करवाएंगे तो बेस्ट रहेगा, पेशेंट का कोष्ठ भले ही मृदु नहीं है, हम लोग पेशेंट का पेट साफ करने के लिए थोड़ी विरेचन देते, हम लोगों को दोष को निकालना है,
मृदु कोष्ठ है तो आप सौम्य विरेचन करवाइएगा, तिरुत लेह से कराइएगा, अभिपत्ति का चूर्ण से कराइएगा, बट कराइएगा जरूर, क्योंकि पित्त का प्रकोप है, टिपिकली पित्त प्रकृति वाली केस है ये, जिसको थोड़ा सा भी गर्म इसमें जाती है तो रैशेस वगैरह आ जाते हैं, पित्त का शमन ही इसमें करना है तो विरेचन करना पड़ेगा। ओके मैम, और मैम बाकी मेडिसिन में ये शुद्धशेखर अभिपत्तिकर और मुक्ताकृष्टिकर, हाँ बस वो कंबाइन करके दीजिएगा सब कुछ ये तीनों भी, और एक महामंजिष्ठ आदि काढ़ा एड ऑन करिएगा बस। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको महामंजिष्ठ आदि काढ़े को रिप्लेस करके 15 दिन के बाद एक बार एक बॉटल खत्म हो गई ना, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग हरिद्रा खंड डालेंगे, क्योंकि हल्दी भी लाइक एंटी एलर्जिक टाइप पे भी काम करती है, तो हल्दी हरिद्रा खंड एड ऑन करेंगे इसमें। हाँ मैम, अगर उसने लाइक लेप में भी अगर हल्दी यूज किया ना बेसन के साथ तो भी हो जाता है। लेप तो आप अपने अनुभव के हिसाब से बदलाव कर सकती है, 3 दिन के लिए ये यूज किया, फिर 3 दिन के लिए हमने यूज किया दूसरा कुछ, और लेप में मैं जरूर बताऊंगी, आप लेप में दूध डालिएगा, दूध या गुलाब जल जो की पित्त का शमन करेगा, तो लाइक हनी मत डालिएगा, शहद मत डालिएगा, गर्म पानी भी मत डालिएगा, इसके बजाय आप दूध में डालते हैं ठंडा दूध थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाला तो अच्छा रहेगा, और एलर्जिक है तो एक बार शोधन थोड़ा सा लघु शोधन होना जरूरी ही है। ओके, सौम्य विरेचन करवाइएगा। मैम ये शीत पित्त में तो हम चोपचीनी चूर्ण भी डाल सकते हैं, क्योंकि इंटरनली चोपचीनी चूर्ण का भी काफी अच्छा रिजल्ट है शीत पित्त में। यस, और इसके अलावा उशीरा शो यूज कर सकते हैं आप, उशीरा भी है, और गुलकंद खाने को दीजिएगा, गुलकंद जो चीनी चूर्ण डायरेक्टली देना है बीड़ी लेने के लिए 2-3 ग्राम। हाँ, आप जैसे मैम ने बताया ना प्रवाल पिष्टी या फिर मुक्ता पिष्टी, आप जो भी कुछ दे रही हैं उसके साथ भी मिक्स करके दे सकती हैं। अच्छा जी, आप भी ऐड ऑन करिएगा शीत पित्त के लिए। वैशाली, अंजू, आप भी ऐड ऑन करिएगा शीत पित्त के लिए, क्या देंगे? अलका जी, मैम हरिद्रा खंड। यस यस, हरिद्रा खंड मैंने बताया। हाँ, और कुछ अलग से? गंधक रसायन भी मैम। हाँ, गंधक रसायन ना, अच्छा, सूक्ष्म त्रिफल। ओके, पंचतिक्त या महातिक्त कुत्ती अच्छा काम करता है मैम। यस यस, हम लोग अगर आप क्लासिकल विरेचन देना चाहते हैं ना तो इसमें आप पंचतिक्त और महातिक्त का स्नेहपान कराकर विरेचन दीजिएगा, मुझे लगता है ये बेस्ट रहेगा। सपना जी, ऐसे केसेस में, एलर्जिक केसेस में ना स्नेहन देकर करेंगे क्लासिकली तो बेस्ट है। स्नेहन देके ही करवाना चाहिए तभी दोष निकलेंगे, नहीं तो फिर बहुत बार पेशेंट रेडी नहीं होता है शोधन के लिए। फिर तो मैडम रिकरेंस होता रहेगा, जैसे आप बता रही हैं काफी टाइम से है तो रिकरेंस होता रहेगा, जहाँ जब तक आप जल मूल से निकालेंगी नहीं तब तक उनका पित्त का विरेचन नहीं कराएंगी तब तक ये व्याधि ठीक नहीं होने वाला है। और इसमें आप सीतोपलादी चूर्ण का भी यूज कर सकती हैं एज अ मधुर रसायनात्मक, उसका भी काफी मैंने अच्छा रिजल्ट देखा है। ओके, इसमें आप अनुपान के रूप में मिश्री खड़ी शक्कर बोलते हैं ना, रॉ शुगर या लाइक क्या बोलेंगे इसको आप? हाँ, मिश्री ही बोलते हैं हमारे यहाँ भी। क्या बोलते? मिश्री मिश्री मिश्री, हाँ वो टाइप का है ना, वो पित्त का शमन बहुत अच्छा करता है, और आप अनुपान में मक्खन वगैरह भी दे सकते हैं, घृतम मक्खन का प्रयोग करिएगा, अच्छा रहेगा। एलर्जिक के केसेस में ना थोड़ा सा रैश में भी दाह वगैरह होता है तो मक्खन बेस्ट रहता है। उनको खाने पीने में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड डाइट डाल दीजिएगा मैडम, तीखा तला वाला मसाले वाला वो तो बिल्कुल बंद करवा दीजिएगा। मैं फूड तो पेशेंट नॉर्मली लेती है, घर का ही खाना लेती है, वही दाल चावल सब्जी रोटी जो हमारे यहाँ नॉर्थ में रहता है वैसे ही। हमारे यहाँ जो नॉर्मल बनता है ना उसमें भी कई घरों में जो लाल मिर्च वगैरह का यूज ज्यादा होता है, गरम मसाले का यूज ज्यादा होता है तो वो भी शीत पित्त को बढ़ाता है, क्योंकि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना मैम इसलिए। मैम एक और जो है ना शीत पित्त के केसेस में ना, आप ढोकला, दही, वड़ा पाव, फर्मेंटेड इडली, पूरा बंद करवाइए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मैंने मेरा ये ऑब्जर्वेशन है ना, जिन लोगों में ये खाने की आदतें ज्यादा है ना उनमें ये शीत पित्त ज्यादा रहता है, विरुद्ध आहार बिल्कुल होता है, तो वो एक सिंपली लाइक ढोकला वो सब कुछ जो भी है सारा फर्मेंटेड ही है वो कम करवाइएगा, है ना। पर्टिकुलरली बेसन के आइटम्स बंद करवानी पड़ती है इसमें, बेसन की भी, और जिसको हम लोग भिगो कर पीसते हैं ना पिष्टान्न, वो सारा भी कम करेंगे।
और नीम के पानी से नहाने के लिए बोलिए उनको मैम, कड़ू नीम के पत्ते डालकर नहाना। यस यस, वो स्किन इन्फेक्शन के लिए और स्किन डिसीजेस में बहुत चलता है, महाराष्ट्र में भी बहुत चलता है ये। नीम के पत्ते में सरसों के ऑयल से भी अभ्यंग करने से ठीक हो जाता है, मतलब उससे भी। अच्छा, मैंने एक पेशेंट को दिया था हरिद्रा खंड दिया था, बाकी रस पाचक रक्त पाचक दिया था, और मैंने उसको अभ्यंग बोला था डेली करने के लिए सरसों के तेल से, कंडुगन होने के कारण ना वो दिया था, उससे भी उसका काफी 90% रिलीफ हो गया था 15 डेज में। जी जी मैम, अच्छा रिजल्ट है सरसों के तेल का। ठीक है, ओके। एक मैम ऐड ऑन करना चाहती थी मैं, जैसे प्यूबर्टी में आगे बढ़ते हैं, जैसे आज हमने मुखदोषिका को लेकर डिस्कशन किया, आगे एक छोटा सा जो कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ यस मैम, यस यस बोलिए, किसी को बोलना था? नहीं, मैं बोल रही थी कि इसमें एक डैंड्रफ का भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कई बार कह रहे थे ना डैंड्रफ के जो फ्लेक्सिस होते हैं वो गिरने से भी फिर पिंपल्स बढ़ते रहते हैं, तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन इट्स ट्रीटमेंट आल्सो। एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरियल फंगल वो तो है, पिगमेंटेशन का एक कारण बन ही जाता है, और खास तौर पे इस समय पे जैसे मैंने बताया कि ब्यूटी की तरफ उनका खिंचाव रहता है ना, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करते रहते हैं, और जैसे कि कफ का भी खान पान में केक पेस्ट्रीज एंड लाइक ये सारा भी आ जाता है, तो इसके कारण भी कृमि बनते हैं कहीं ना कहीं बाल में, वो तो खुजली और फिर वो डैंड्रफ या वो भी कारण होता है कि नीचे गिरने से भी, जिन रोगों में बालों की समस्या है उनमें त्वचा की समस्या होती ही अक्सर ये रिलेशन रहता है, क्योंकि बाल जो है हमारे सिर के बाल चेहरे से एकदम नजदीक है, तो जो भी हम लोग सिर पे कुछ भी करते हैं तो उसका परिणाम चेहरे पर दिखता है। बिल्कुल, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते, एक छोटा सा कंडीशन जैसे आप सभी को पता है ना, प्यूबर्टी में ये भी समस्या काफी होती है, सभी चेंजेस होते रहते हैं, तो खान पान की आदतें बदलती रहती है, तो कुछ पेशेंट्स में, कुछ लड़कों में, लड़कियों में कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है, जैसे सारकिट विवेचन में वात दोष के कारण रुक्षमल बनता है, और इस रुक्षमल का कारण पानी का पीना नहीं पीना है, या लाइक लो फाइबर डाइट, जैसे अभी हम लोग सभी खान पान की बातें कर रहे हैं ना, तो इसमें मुख्य रूप से लो फाइबरेज होता है, और जिसके साथ तो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन या मलावरोध जिसको आयुर्वेद में विबंध मलावष्टंभ, जिसका कारण ही आई थिंक वात दोष ही है, ना केवल वात दोष बट बाकी दोष में भी इसमें होते हैं, इसके लिए हम लोग किस प्रकार से सोचे, कई सारे देखिए, इसके लिए आपको सारकिट विवेचन भी समझना होगा, और लाइक कुछ बायोलॉजिकल कॉजेस है या मस्कुलर मूवमेंट्स है, पेल्विक मसल की मूवमेंट्स हो गई, या आपकी फिजिकल इनएक्टिवनेस है, क्योंकि एक्टिव रहना, काम करते रहना और शरीर को थोड़ा सा तंदुरुस्त रखना ये भी जरूरी है, जिन लोगों में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा देखी, लेजीनेस और एकदम से आराम से बैठना, सो इसके लिए मुझे लगता है ये भी आप थोड़ा देखिए पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को मोटिवेट रखने के लिए चलना या काम करना भी जरूरी होता है, स्ट्रेस ये भी फैक्टर देखा जाता है, और तनाव के कारण भी इनएडिक्वेट वाटर इनटेक के कारण भी मलावष्टंभ होता है, लो फाइबर डाइट के कारण, वात प्रकोप के कारण, कॉन्स्टिपेशन इज नॉट इट इज नॉट अ डिसीज बट इट इज अ कंडीशन, और लाइक इसमें हम शुद्र रोग के हिसाब से इसको देख सकते हैं, सो इसमें कई सारे देखिए, इसमें खान पान की आदतें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइबरेज डाइट लेना, सब्जियों को खाना, और जो भी आपकी प्रकृति है इसके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रकृति के सीजन्स में काफी विस्तारित रूप से इसको बताया है, आपकी वात प्रकृति है तो दूध मक्खन घृत छाछ दही इन सभी का इस्तेमाल करें, जरूर करें, बिकॉज दे आर गुड बायोटिक और प्रोबायोटिक है जो अच्छा बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए मदद करते हैं, आपका प्रधान है तो आपके आहार में घृत का समावेश जरूर करें, आपकी बट वात में और पित्त में होती है, पित्त में एक्चुअली कभी कभार लूजनेस होता है स्टूल में, शिथिलता होती है, तो कभी रुक्षता होती है, वायु का अग्नि विषम है, तो इसके लिए वात दोष प्रकृति में ये कॉमन है, तो ये सारे फैक्टर्स स्ट्रेस फूड हैबिट्स अच्छी नींद लाइफस्टाइल करेक्शन ये करने के साथ साथ ही लाइक आप किशमिश को भिगो कर मनुक्के को भिगो कर रात में सवेरे उसका अगर पानी बना कर देते हैं तो वो भी पेट के लिए अच्छा काफी फायदेमंद होता है, इसके साथ साथ अंजीर फीक का भी आप भिगो कर प्रयोग करें, इसमें घर में जैसे बिल्व है तो बिल्व का मुरब्बा आता है, बिल्व का शरबत आता है, इसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं जो काफी पेट के लिए काफी अच्छे से काम करता है, दाढ़िम खाने में दाढ़िम का अवलेह दाढ़िम का रस
जो पेट के लिए या मल को बांधने का काम करता है। उड़द, उड़द एक्चुअली गुरु है, बट उड़ित ये उड़द या माश ये पूरी शुद्धि कर रहा है। तो देखिए कुछ लोगों में जैसे कि खाने की कौंडलघन, अतिकृष्टता, डाइटिंग और क्वांटिटी भी ठीक से रहनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन को दूर कराने के लिए। पानी भरपूर पीना, व्यायाम करना, ये सभी के साथ साथ कल्प क्या यूज करेंगे, मेडिसिन क्या यूज करेंगे। कल्प दो तीन प्रकार के आते हैं, एक तो लाइक मल को पतला बना देते हैं, दूसरा होता है कि मल को नीचे ढकेलने में मदद करते हैं। तो देर आर वराइटी ऑफ लाइक हम बात करेंगे कि जो भी सारे कल्प होते हैं, जो भी सारे मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं वो काम कैसे करते हैं। लाइक विरेचन के भी प्रकार होते हैं ना, मृदु, तीक्ष्ण, तीव्र, मध्यम विरेचन, इसी प्रकार से। तो मल को पतला करने वाले लाइक क्रेमेफीन वगैरह है जो मल को पतला कर देते हैं, उस टाइप से। तो यहाँ पे आपको ऐसे वैरायटी में उसकी प्रकृति कोष्ठ को देखते हुए कोई भी कल्प का यूज करना है। आमतौर पर मुझे, मेरे हिसाब से हम लोग ज्यादा से ज्यादा गंधर्व हरितकी, एरंड भ्रष्ट हरितकी, त्रिफला चूर्ण, अभयारिष्ट, अभयादि मोदक, विरेचकपटी, तिरुत लेह, इन सभी का एक मेडिसिन के रूप में, अभयारिष्ट ये भी अच्छा काम करता है, इन सभी का, पंचारिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचकोला सौ भी यूज कर सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ अग्निमांड भी है तो हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण काफी हद तक अच्छे साबित हुए, इसका अच्छा ये होता है, परिणाम मिल जाता है। रात में सोते समय दूध और उसमें घृत डालकर पीने से भी नींद भी अच्छी आ जाती है और पेट साफ होने में भी मदद मिल जाती है। गर्म पानी का पीना, फेनुग्रीक सीड का वाटर, मेथी दाना या फ्लैक्स सीड्स का वाटर, और लाइक सब्जा, सब्जा जो आता है ना सब्जा, वो सब्जा भी एक होम रेमेडी के रूप में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए वात का शमन करने वाला खाना, मधुर रस का खाना, भरपूर दूध खाइए। अब जो भी खाएंगे, जो भी खाना बनेगा, घर में खीर बन रहे तो दूध ज्यादा डालिएगा, लड्डू बन रहे तो उसमें भी आप लाइक लड्डू में भी आप दूध मिलाकर भी बना सकते। तो जैसे संभव हो आप घी, दूध, मिल्क, जिंजर, हल्दी, नींबू, जो पेट के लिए काफी अच्छे फायदेमंद बनाए गए हैं, फेनल सीड्स है, कोरिएंडर है, इन सभी का जितना अच्छे से उपयोग कर सकते हैं उतना करें। आपको मार्केट में स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, सौम्य कोष्ठ चूर्ण, कई सारे ये मिलेंगे, अब कल्प तो कई सारे मिल जाते हैं, बट क्या किस तरह से यूज करना है वो देखिएगा। और बाकी सारी बातें भी इसमें इम्पोर्टेंट है, लाइक लाइफ स्टाइल करेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो बताइए आप कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज क्या करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही आई थिंक बहुत ही कॉमन सा है। मैंने आज जो डाला है चिंता पानक, वो भी आप यूज कर सकते हैं पेट साफ होने के लिए। तो कई प्रकार के पानक शरबत भी यूज किए जाते हैं, नींबू पानी से भी पेट साफ होने में मदद होती है, नींबू का प्रयोग करिएगा। नींबू यह पूरे हमारे कोष्ठ को शुद्ध करने के लिए अच्छा काम करने वाला होता है। सो बहुत सिंपल सिंपल ऑरेंज है, नींबू है, कई बार अचार भी अच्छा रहता है जो स्वाद और दीपन पाचन का भी कार्य काम करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है हमारी जो खान पान की पद्धति है जिसमें हम लोग फोड़नी देते हैं, कुछ मसाले डाल देते हैं, तो इन मसालों से भी वात का शमन होता है और अग्नि का दीपन। इसमें हिंगू का एक अच्छा रोल है, हिंगू तो फोड़नी में आप हिंग डालिएगा, दाल सब्जी बना रहे तो हिंगू का प्रयोग करिएगा। हिंगू ये शूल प्रशमनीय गण में है और हिंगू अच्छे से पेट के लिए भी अच्छा काम करता है। और हम लोग जो खाना खाने के बाद तांबूल का, सौंफ, सुपारी का सेवन करते हैं तो ये भी मदद करते हैं। जैसे अब हम लोग सुतिका अवस्था में सौंफ में अजवायन डालकर रख देते हैं ना, सौंफ, अजवायन और तिल मिलाकर रख देते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, तो वो भी बहुत अच्छे से पेट के लिए। आप खाना खाने के बाद सौंफ क्यों खाते हैं? मुख शुद्धि के लिए, इसके साथ वो पाचक भी है ना। तो सेम वे आप बिल्कुल इसी प्रकार से, मुझे लगता है कॉन्स्टिपेशन इज नॉट, और मेरा ये मानना है कि बाउल का जो भी मोशन का जो भी है ना, वो डिपेंड्स अपॉन योर साइकोलॉजी हैबिट। बाउल ट्रेनिंग भी जरूरी है, कुछ लोगों में लाइक जर्नी को जाना है तो मोशन आती है करके, कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर करके होता है कॉन्स्टिपेशन को लेकर, या फिर समय को लेकर होता है, दो तीन बार दिन में जाने की आदत होती है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ग्रहणी, ऐसे सभी व्याधियों में वही समस्या होती है कि पेशेंट की मानसिक, तो अतिसार का भी जो हेतु है उसको पढ़िए, शोक, भय, चिंता, क्रोध, ये भी अतिसार के हेतु है। इसलिए आयुर्वेद में भय अतिसार को भी बताया है,
इसी प्रकार से बाउल ट्रेनिंग, ये बिल्कुल चाय पीने के बाद ही अच्छा मतलब मल ये होता है, कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को पेपर पढ़ने की आदत होती है, तो ये सभी आपका माइंड का ये है। आई थिंक कि बाउल हैबिट एंड यूरिन हैबिट इट डिपेंड्स टोटली 50% तो ये माइंड के साथ ही है। आप जैसे ट्रेनिंग देती, जैसे बच्चों में देखिएगा, आप जैसे ट्रेनिंग देती है ना उनको, वैसे ट्रेनिंग वो मतलब उनका ये तरीका होता है मल का ये करने का, उनका हैबिट लग जाती है डेफिकेशन की और मिक्चुरेशन की, दोनों की भी। तो इसी प्रकार से आप अपने बाउल को आदत लगाइए, और इसके लिए बाकी सारी चीजें तो है ही, फिर योग प्राणायाम एंड ऑल थिंग्स भी है इसके साथ। कई सारे पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है ना कि कितना भी दवाई दे दो बट उनके मन में इससे बैठ गए ना कि मेरा पेट साफ ठीक से नहीं होता है तो मुझे दो बार जाना ही है, तो जाइए दो बार, मतलब वो आपका हैबिचुअल बन गया है, हैबिचुअल टाइप का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ही वो आता है। ऐसे अगर कुछ आपको मन में बैठ गया है ना हैबिट्स को लेकर, सो इट्स अल्टीमेटली आई थिंक ओके। बताइए आप क्या देती है मैम, बताइए किसी को कुछ ऐड करना है बताइए कॉन्स्टिपेशन के लिए, फैच होना तो है ही। यस यस यस, आपने बहुत अच्छे से बताया जो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इसमें एक सोनामुखी चूर्ण ऐड करना चाहूंगी, जो क्रूर कोष्ठी होते हैं उसके अंदर सोनामुखी चूर्ण शहद के साथ देते हैं। बाकी तो जो आपने अभी अरिष्ट हो गया, गर्म पानी के साथ या फिर चिपकता है ना तो फिर मैं तो हनी के साथ मिक्स करवा के दे देती हूँ। आवाज कट रही शायद। हाँ, गर्म पानी के साथ भी देते हैं मैम, लेकिन कभी कभी वो सोनामुखी क्या थोड़ा चिपकता है गले के अंदर, तो हनी के साथ मिक्स करा के देने से अच्छा रहता है। इसके अलावा जो आप हम करते हैं गर्म पानी के अंदर एरंड ऑयल का यूज करते हैं, अभया मोदक हो गया, गर्म पानी के साथ हम घी का प्रयोग कराते हैं, ये तो सब कॉमनली यूज होते हैं जी। और बाकी तो फाइबर्स जो भी एरंडेल रोटी में डालकर भी दिया जाता है ना, एरंडेल रोटी में डालकर भी दिया जाता है जी मैम। घृत कषाय काफी सारी हैं हमारे पास, सपना जी कर सकते हैं, स्वादिष्ट विरेचन है, एरंडेल वृष्ट की बहुत सारे कल्प बहुत सारे मिल जाए। बताइए सिंपल कुछ रेमेडी बताइए। एक मैडम केले का चिंचा लवण तेल भी यूज कर सकते हैं, चिंचा लवण तेल जी जी, पांचभौतिक में है मैम तो वो उसका भी अच्छा वहाँ पे चिंचा का, यस यस वहाँ पे चिंचा का अच्छा होता है बिल्कुल। चिंचा पानी भी यूज कर सकते हैं, वैसे जल्दी पर पाचन भी करता है चिंचा पानी, और पेट साफ सारे भी प्रेगनेंसी में वगैरह अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो गुलकंद अच्छा है, क्योंकि गुलकंद ना मल की क्वांटिटी को भी बढ़ा देता है, और खजूर पानक खजूर मंत्र भी है इफेक्टिव है जी। और कई बार सिर्फ गर्म पानी का परिषेक करने से भी आराम मिलता है। इसमें कटी अपना कटी ये भी करा सकते हैं, मतलब बाष्प या कटी क्या बोलेंगे हम लोग, कटी अवगा यस वातशमन, और हल्का सा मसाज करिएगा कमर और पेट पर, वो भी काफी फायदेमंद होता है। यस सो होपफुली आज का हमारा सत्र, हमने इसमें कॉन्स्टिपेशन एंड मुखदुषिका को लेकर डिस्कशन किया है, और हमारे सारे दर्शक फेसबुक के उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आप बताइए कल के लिए भी हम लोग आगे इसी को बढ़ाए, कल हम लोग डैंड्रफ या बाकी समस्याओं के बारे में डिस्कस करें फिर ऐसा, क्योंकि रिविजन अच्छा हो रहा है ना हमारा, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो रहा है ना ये। ओके मैम, डैंड्रफ विल बी ओके, डैंड्रफ का टॉपिक ठीक है चलेगा। यस यस बिल्कुल ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम।